Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. ये है कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि कुरान की जो वर्स है कि हर चीज डिटेल में है, इस अहम शुरू अक्सर बात करता है। मैं इसके ऊपर अपना पर्सपेक्टिव ये देना चाहता हूँ कि कुरान के अंदर अगर एक चीज लिखी है ना कि हमने हर चीज डिटेल में बताई, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें जहाज बनाने का तरीका भी हो या घर कैसे बनाते हैं। अच्छा, भाई अब जो अभी वर्स की बात कर रहे हैं ना, इसके कॉन्टेक्स्ट अगर आप पढ़ते हैं ना, तो कुरान की बात हो रही है। भाई स्टॉप 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 स्टॉप। जहाज बनाने का अगर जिक्र होगा ना कुरान में, तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है, और अगर जहाज बनाने का जिक्र नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। प्लीज आप जो है ना इस वक्त इलॉजिकल होके बात कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में आके। ट्राई टू नहीं नहीं टॉक मैं आप ये मत सोचिए कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ और ना मैं इधर करने आया हूँ। मैं तो आपको सिर्फ एक बात की है, आप चाहें तो उससे ना भी अग्री करें। मैंने कहा सर आप डिफेंसिव मोड में बात कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा आप डिफेंस करेंगे। ये दो डिफरेंट चीजें होती है, डिफेंसिव मोड में बात करना और डिफेंड करना, दीज आर टू इंटायरली डिफरेंट थिंग्स। मैं ये सही बता रहा सही हूँ कि कुरान कहता है कि हमने हर चीज को डिटेल्डली एक्सप्लेन किया है उसकी वर्सेस के अंदर। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि भाई मुझे ये बताओ जहाज बनाने का तरीका क्या है, मुझे ये बताओ या वो बताओ या फलान बताओ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक आयत है, वो कह रही है कि हमने अपना जिक्र भेजा है और हम ही उसके मुहाफिज हैं। ठीक है, कुरान कह रहा है ना कि हमने अपना जिक्र भेजा है और हम ही उसके मुहाफिज हैं। एदम यार, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ यार, हम इस वर्ष पे फ्री बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, तो क्लियरली बात कुरान की हो रही है। ओके, ये ले, मुझे याद आ ये गया, जरा मैंने मुझे दिखाएं, डिबेट भी सुनी थी। ये मुझे जरा दिखाएं, ये जिक्र जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कुरान के अंदर कि जिक्र कहता किसे कह अल्लाह, ये जरा पढ़ेंगे क्या कह रहा है। वलकत किताब ना, जी बोल लें बोल लें आप। पढ़े पढ़े प्लीज। एक सेकंड, में जरा स्क्रीन डिम हो गई है मेरी। एक सेकंड कद यार, एक सेकंड वर्ड सही। कतब ना फिर जबूरी मिम्बाद जिक्री अन्नल अर्दी अर्दवा यूरिसुहा इबादी सवाल लिहून, ऐसे लिखा हुआ है। असल में अलम ये कह स्क्रीन बहुत रहे हैं छोटी है कि ना, वो वर्ड पढ़ना मुश्किल हुआ है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जबूर जो है ठीक है वो एक अल्लाह का जिक्र है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी रिटन इन द बुक ऑफ जबूर आफ्टर द प्रीवियस मेंशन दैट द लैंड ऑफ पैराडाइज। सो नाउ क्या जबूर अल्लाह का जिक्र है? बिल्कुल, तौरात भी अल्लाह का जिक्र था और जबूर भी था, इंजील भी बेहतरीन। अब था। मुझे मुझे चार और वर्सेस दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब जब जबूर अल्लाह का जिक्र है, तौरात अल्लाह का जिक्र है, और फिर अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून 15:9 के अंदर। ठीक है, तो अल्लाह मियां को अगर कहना था कि मैं सिर्फ कुरान का मुहाफिज हूं, तो अल्लाह ने क्यों कहा कि वो सिर्फ वो जिक्र का मुहाफिज है, उसने क्यों नहीं कहा कि कुरान का मुहाफिज है? यार आप फिर कहेंगे मैं डिफेंसिव मोड में जा रहा हूँ। मैं असल में ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको पता है, तौरात के लिए भी बहुत से वर्ड यूज अल्लाह ने किए हैं, इंजील के लिए भी किए हैं, उसी तरीके से कुरान के लिए भी किए हैं। उसी लकब में से या लकाइब में से ये एक लफ्ज कुरान को भी लकब दिया गया है जिक्र का। तो सर ये जिक्र, है कि मैं ये सर हम अभी बहुत आपने क्या आगे बोला चले कि गए हैं जिक्र एडम जो है? भाई। नहीं नहीं अभी एडम आपने मुझे भाई, एक बोला, सेकंड एक एक सेकंड, सेकंड, नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं आपको नहीं सर कहा था कि बाइबल अगर करप्ट हो गया है। आपने जी अपने जी आप जी जी को आप अपने आप को इस वक्त कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अभी आपने बोला है कि तौरात भी जिक्र है, जबूर भी जिक्र है, बिल्कुल बिल्कुल इंजील भी जिक्र बिल्कुल है, कुरान बिल्कुल भी जिक्र है, चारों किताबें जिक्र ऑफ अल्लाह है। हर वो चीज जो अल्लाह ने उतारी थी पहले भी और अब जो उतरी हुई है, वो वो चीज अल्लाह चारों का अल्लाह का जिक्र है। जिक्र है। परफेक्ट, अल्लाह क्या बिल्कुल कहता है कि मैंने अपने जिक्र को खुद मुहाफिज हूं, मैं अपने जिक्र का खुद मुहाफिज हूं। आप नहीं, मुझे कह जहां रहे पर हैं कि अल्लाह नहीं ताला बात अल्लाह करे झूठ ना, मैं बोल रहा जिक्र है, का मुहाफिज आप हूँ नाउज एदम। फिर बिल्ला आप कहते अल्लाह हैं से आप अल्लाह से मुनहरिफ हो गए, नाउज बिल्ला। एडम आप ये बात तो ना करें। मैं ये भाई बात मैं कर रहा हूँ, मेरी आपको बात तो बता रहा सुन हूं ले। भाई। नहीं नहीं मेरी बात तो सुने आप जरा। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां पर जिक्र लहाफिजून की बात है ना, वहां पर कुरान की बात हो रही है। अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, और कैसे? क्लियरली कुरान की बात हो रही है, ठीक है। और जहां पर तुरैत और जबूर को कहा गया है ना जिक्र, वहां पर कहीं पर भी हाफिजून वाला लफ्ज नहीं आया कि हमने इसको भी जो है वो किया हुआ है, हमने प्रोटेक्ट। ठीक है, जिक्र तो सर अल्लाह तआला देखे के बहुत से उतरे हैं। देखे जिक्र बहुत से दिख रहे हैं ना, तो जितने भी जिक्र उतरे हैं अल्लाह उसको मुहाफिज कर रहा है। अदरवाइज अल्लाह हैज टू से इन्ना नहनु नज़्ज़लनस तो कुरआना व इन्ना लहू लहाफिज़ून। मैंने आपको दिखाया कि
73 टाइम्स कुरान के अंदर नहीं वर्ड सर कुरान एकदम आया। यार, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर सर सर, हम इसी ऐप पे अड़ गए। मैं ये कह रहा था आप अगर कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तो कुरान की ही बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट सर देखें आप, कुरान की बात हो रही है। मैं ये कहता हूं कि भाई अल्लाह मियां अपनी बात बयान करने में बहुत ही जयीफ थे इस जगह के ऊपर कि वो अपनी बात को प्रॉपरली बयान नहीं कर सके। मैं नहीं, आपकी इस प्रॉपरली लॉजिक बयान पे तो जो है तब होता ना जब यहाँ नहीं पर हुआ ऊपर नीचे किसी भी किताब का नाम ना सर। मैंने होता यार। आपको मैं खैर दिखाया डिफेंड नहीं है। करना चाहता यार से एडम, मैं अब यहाँ पे इस चीज के ऊपर चुप कर रहा हूँ, चले हम लेकिन इस मैं आपको चीज को सर छोड़ एक देते हैं, बात ये हम कहना इस चीज को चाहूंगा, छोड़ देता मैं हूँ, आपको एक बात ये हम इस कहना चीज को छोड़ चाहूंगा। दें, नहीं, हम मैं इस एक चीज को बात कहना छोड़ देते चाहता हैं। हूँ, अगर आप माइंड ना करें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आप ही को देख के मेरे जहन में बात आई है कि सर देखें, आपने जो बिल्कुल कुरान से साबित करने की कोशिश की है तौरात की या जबूर या इंजील को, तो क्या आप मानते हैं कि तौरात जबूर जो आपके पास मौजूद है बाइबल, ये अल्लाह ताला का कलाम है? सर ये तो आपका काम है कि मुझे इस चीज का एविडेंस दे, क्योंकि बेसिकली तो आप इस चीज को नहीं मान रहे, मैं तो मानता हूं। नहीं सर, आप कोट कर रहे हैं ना, देखिए मैंने आपके जनरल बात की कि यार अगर तो रहा, अगर बाइबल करप्ट हो गई है, आपने जो है वो कुरान खोला, ठीक है मैं कुरान की वो आयात को मान रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है तो रात का भी जिक्र है, कुरान का भी जिक्र है, हर एक चीज का जिक्र है, आपने जो जो चीजें की वो मैं कुरान में लिखी है तो मैं मानूंगा। मैं ये बात कर मानेंगे रहा हूँ ना जब आपने इस चीज को अपना एविडेंस बनाया है, जब आपने इस चीज को अपना एविडेंस बनाया है, क्या क्या आप मानेंगे, आप क्या ये मान गए हैं कि कुरान के मुताबिक तौरात और जबूर और इंजील प्रिजर्व्ड है। नहीं, ये आप आप मुझे भी एक क्या मैं आयत नहीं मानूंगा, दिखा सकते जहां पर आप लिखा से भी हो क्या मैं कि मानूंगा। तौरात और ज़बूर प्रिजर्व्ड है, ओके चलिए, यार आप ये ऐसा ऐसी कोई करें, आयत नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप ऐसा करें, मुझे कुरान की एक आयत दें जिसमें एक्सप्लिसिटली लिखा हो कि तौरात जबूर और इंजील जो है वो करप्ट हो गई हुई है। एक्सप्लिसिटली लिखा यार होना चाहिए देखो एडम, आप गुस्सा कर रहे सर। हैं यार, मैंने पता नहीं नहीं सर क्यों, गुस्सा क्यों मैं कर तो रहा हूँ सर, बिल्कुल चिल आपने हूँ। मुझे एक क्लेम दिया है, मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ नहीं भाई। मैं कहा गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ बैठ अच्छा के। सर आप अच्छा शायद अच्छा पहली सॉरी, दफा मुझसे बात कर रहे हैं, मेरा तो हाँ जी काम है बिल्कुल तकरीबन हर बिल्कुल दूसरे तीसरे दिन लोगों से बात कर रहा होता, तो मैं गुस्से में क्यों आऊंगा। जी जी सर मैंने आपको सही सही कहा सही है मुझे एक देखें आयत दे दे जिसमें एक्सप्लिसिटली लिखा हो तौरात जबूर इंजील जो है वो करप्ट हो गई। गलम हो गई देखें मेरे भाई मेरे भाई, मेरी बात सुन नजर, आप पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पे आपको कुछ चैलेंज करने नहीं आया, या आपको कोई हराने और रोने वाला कोई सिस्टम नहीं है। मैंने जनरली एक सवाल पूछा था, जी अगर आप उसका जवाब नहीं भी देते ना, मुझे तब भी कोई परेशानी नहीं थी। दूसरी बात सर जी यह है कि हमें कुरान के अंदर अगर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप देखिए हमारे पास रोमन कैथोलिक है जहाँ पर 73 बुक्स है, हमारे पास प्रोटेस्टेंट की है जहाँ पर 66 बुक्स है, और भी कुछ है मैंने सुना है नाम ऑर्थोडॉक्स वगैरह की, तो हमारे सर जी सामने तो एविडेंस मैं मौजूद है, आपको कुरान में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेट मी गिव यू द एविडेंस फॉर दैट। मेरे पास शिया लोग हैं, वो 8 किताबों को मानते हैं हदीसों की। मेरे पास सुनी लोग हैं, वो किताबों सित्ता को मानते हैं, वो 6 किताबें मानते हैं हदीसों की। मेरे पास इस अहमदी लोग हैं जो कि कुरान के बाद इवन एक और कुरान को मानते हैं। आप लोग अच्छा, बेसिकली जब आप मुझसे इस किस्म की बात करते हैं तो इसका मुझे पता लगता है कि आप कितने इग्नोरेंट हैं बाइबल के बारे में। नहीं एडम देखें, बिकॉज एडम देखें, एडम एक सेकंड एक सेकंड, लेट मी फिनिश नाउ, लेट मी फिनिश नाउ, लेट मी जी जी फिनिश। जी जरूर जरूर ठीक है, जरूर बाइबल के अंदर अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जिस तरीके से आप लोग कहते हैं ना सीरातुन नबी, ठीक है, सीरातुन नबी इबन इसहाक ने भी लिखी हुई है, सीरातुन नबी इबन कतीर ने भी लिखी हुई है। इसी तरह बाइबल में एक बाइबल जो है वो एक बुक नहीं है। बाइबल द सही लफ्स सही बाइबल कम्स बिल्कुल फ्रॉम बिल्कुल द लफ्स बाइबल कम्स फ्रॉम बुक्स, राइट, दैट सही इज वाई सही इट इज कॉल्ड होली बाइबल। ठीक है, ग्रीक लफ्ज है बिब्लियोस, वहां से निकला है, कलेक्शन ऑफ बुक्स। सही सही होली बाइबल मीन्स मुकद्दस सही सही किताबें, मुकद्दस किताबें। अच्छा, मुकद्दस किताबों में अगर आप देखेंगे इंजील, वो सबके पास सेम है। उसके बाद एक्ट्स आ जाता है, जिसको आप सीरा के बारे में कह सकते हैं, सहाबा की सीरा के बारे में कह सकते हैं, वो एक्ट्स है, बुक्स ऑफ एक्ट्स। उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ खतूत आ जाते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ न्यू टेस्टमेंट की। उसके बाद मुख्तलिफ खतूत आ बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जॉन ने कुछ खतूत लिखे, जी वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जिस तरीके से आप हदीसों की बात करते हैं। कुछ लोग सहीहुल बुखारी सहीहुल मुस्लिम से आगे किसी और बुक को नहीं मानते। मैं फिकास की बात बिल्कुल कर रहा हूँ, ठीक है। जी कुछ जी लोग जी कहते हैं नहीं, हम किताबु सित्ता को, यानी कि अर्ली 6 किताबों को कुल मानते हैं। छह बुक अच्छा, को जी बिल्कुल अर्ली 6 किताबों में भी 5 किताबों पे वो लोग मान लेते हैं, छठी के ऊपर लोगों को एतराज है। छठी कुछ लोग कहते हैं एक्स है, कुछ वाई है, कुछ जी है। सो बेसिकली आप इंजील को और बाइबल को एक नहीं कह सकते। इंजील बिल्कुल, गॉस्पल है, एक अलग बाइबल चीज है और बाइबल अलग चीज है। कलेक्शन ऑफ बुक्स है। अच्छा, जी जी बिल्कुल अब जब सेक्ट्स बने,
कुछ लोगों ने कुछ एडिशनल बुक्स को रखा, कुछ लोगों ने एडिशनल बुक्स को नहीं रखा, ठीक है। हेंस आप ये नहीं कह सकते कि ये करप्ट हो गई, दिस इज अ फॉल्सिफाइड एक्यूजेशन, क्योंकि सही सही आप यहाँ पे हम कह रहे हैं यार ये किताबें मैं नहीं मानूंगा, फिर इसका मतलब है कि कोई भी मुसलमान जो है वो मुसलमान ही नहीं है, हमें क्या पता कितनी चीजें हैं, क्योंकि सीरा के बगैर आप नमाज तक तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है। आपके पास कुछ लोग हैं जो हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, ये मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूँ, शियों की बात ही नहीं कर रहा, कुछ लोग हैं जो कि हाथ बांध के, कुछ नहीं ज्यादातर हाथ बांध के करते हैं, फिर अगर आप शियों में आ जाएं तो वो अलम शरीफ के बाद आमीन नहीं कहते, वो अलम शरीफ खत्म करने के बाद दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ठीक है। सही आप सही तशहद में बैठते हैं और आप पढ़ते हैं क्या, दुरूद इब्राहिमी, वो लोग तो नहीं पढ़ते, सलाम वो लोग सही नहीं फेरते। तो मेरे भाई सही ये सही तमाम चीजें डिफरेंसेस कहाँ से निकले, ये उन किताबों में से निकले जो एडिशनल बुक्स हैं। सो सही देखिए, सही अगर आप कोई एक्यूजेशन एडम लेके आ रहे हैं ना, माइंड ना तो करना। प्लीज जरा उसको समझ के लेके आए। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, माइंड ना करना। बात जी मैंने की थी प्रोटेस्टेंट और कैथलिक की, तो आप जाके सुन्नी शिया में चले गए हैं। नहीं, आपने मुझे हालांकि के बारे में हालांकि बताया ना, मैंने इसके मैंने ऊपर बहुत से क्रिश्चियंस के रिस्पॉन्स सुने हैं। मैंने रावी आई नो जकरिया का सुना हुआ है, मैंने सर, बॉब का देखें सुना हुआ है, वो बिल्कुल भी हदीसों में नहीं जाते सर। वो सर, डायरेक्टली देखें इसको मानते बात हैं कि ये चीज अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। लेकिन शाहजी, आपने बात इसकी सुने एक्सप्लेनेशन कुरान से अरे दे दी है। बात सुने मेरी, मैंने आपको वो एक्सप्लेनेशन दी है जो आपको समझ आ सके, ठीक है। अगर आपको अभी देखें, भी समझ नहीं आए ना, तो इसका मतलब है आप समझना नहीं चाहते, क्वाइट फ्रैंकली, नहीं, मुझे एक 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 क्योंकि तो जिस हक दिन आप देना आप चाहते हैं कि तमाम, मैं क्वेश्चन जिस कर दिन लूं। सर मैंने आपको इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है, अगर आप नहीं ये नहीं आंसर नहीं लेने इसी के में से बाद, आप ये आंसर नहीं लेने के नहीं है। बाद मुझे कह रहे हैं कि सैम ने ये कहा है और बॉब ने ये कहा है, तो डू यू थिंक कि मुझे उनसे लेना चाहिए, वो मेरे प्रॉफिट है या वो मेरे आलिम है? नहीं, आप शायद बात को गलत समझ बैठे हैं ओके, एडम भाई। मैं ये कह सो रहा था कि मैंने कुछ क्रिश्चियंस को देखा है, वो आई डोंट केयर, विदाउट आई डोंट केयर, गोइंग आई डोंट इनटू केयर, मुझे कुरान और मुझे ना हदीस। दें, नहीं मुझे ना नहीं दें, ना ना एक मुझे सेकंड मुझे बात तो मुझे उनकी सुनिए बातें ना एडम दें सर। देखें, आप मुझसे बात एडम, कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मतलब तो ये मुझे लोग किसी और झूठे क्रिश्चियन की हैं। बात, मैंने कब कहा? देखिए, सॉरी टू से, गलत बात लेकिन कर ये रहे हैं लोग आप, झूठे हैं क्या फिर? आप मुझे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, सही मैं सही आप मुझे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं किसी और का, वो उसकी सही सही प्रीचिंग है, वो किस तरीके से कर रहा है, आई एम सही नॉट लाइक सही दैट। आप एक सही मुसलमान सही है, मैं आपको वो आंसर दिया है जो एज ए मुसलमान आपको समझ आ सके। क्या आप सही सही तमाम सेक्ट्स की किताबें एक ही हैं, यस और नो? सेक्स की किताबें, मतलब तमाम हमारे सेक्स, जितने किया तमाम उनकी कौन सी किताबें, फिरका, उन सब की तमाम किताबें एक ही हैं? कौन सी किताबें की बात करें? हदीस की? ऑब्वियसली भाई, और मैं कौन सी किताबें बात करूंगा नहीं मेरी नहीं जान। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिया पढ़ते हैं नाजुल बलागा, सुन्नी जो है वो पूरी छः को मानते हैं। जो अच्छा, अहले हदीस हैं वो सिर्फ शायद दो को मानते हैं। तमाम सुन्नी पूरी 6 को मानते हैं? नहीं, इतनी डेप्थ में मुझे नहीं पता, लेकिन ये मोटी मोटी नॉलेज पता है। अच्छा हाँ, एडम लेकिन यार, एक तमाम सुन्नी सेकंड नहीं एक मानते सेकंड हैं। सो एडम बेसिकली एक आप मुझे ये कह रहे हैं कि किसी भी सुन्नी के पास कंप्लीट सीरतुन नबी नहीं मौजूद, करेक्ट? सेकंड पता नहीं यार, ये इसके ऊपर मैं तो नहीं बोल सकता। क्या पता उनके पास अपने कुछ सोर्सेज हो। मुझे हर हर किताब का नाम तो नहीं पता ना जो एग्जैक्टली। नाउ हिस्ट्री में लिखी है। सी, जब आपकी अपनी साइड की बारी आती है, आपने अभी तक मुझे एक भी चीज का जवाब नहीं दिया, और आपने हर आंसर पे कहा यार मुझे तो नहीं पता। अच्छा एडम यार, मैं अब एक ना क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। एक एक क्वेश्चन, उसके शायद बीच में दो तीन हिस्से हो जाएंगे। आप बस उसको एक दफा एड्रेस कर दे, मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर मेरा कोई भी शक नहीं रह जाएगा। फिर आप जो कहेंगे मैं उसको मानूंगा, लेकिन बराए मेहरबानी मुझे आप काउंटर क्वेश्चन करने का हक दे दीजिएगा बीच में। वो भी आप ये मत समझिएगा कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ। देखें सर, सबसे पहले किसी भी रिलीजन में एंटर होने के लिए ना, उसके अकीदे को बंदा देखता है, ये नहीं देखता कि भाई होल्ड बुक्स हैं कीजिएगा या यहाँ पे, कितनी है ये वो। होल्ड कीजिएगा यहाँ पे। पहले मुझे ये बताएं, मैंने आपको कहा है कि किसी रिलीजन में आए, क्या किसी रिलीजन में? मैंने आपको कहा है कि आप किसी रिलीजन को एक्सेप्ट करें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी रिलीजन में आ रहा हूँ, मैं एक जनरल आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन आप सर, क्वेश्चन तो बंदा पूछ सकता है ना। आप ओके, सो इतने अच्छे चैनल पे बैठ के इतना कुछ कर मेक रहे श्योर, हैं, हाँ, तो एक क्वेश्चन तो पूछ सकता हूँ ना मैं आपसे। मेक श्योर कि अब आप जब क्वेश्चन करें तो इस तरीके से एड्रेस जी जी कीजिएगा, आगे बोलिए। जी 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 अच्छा देखिए, मैं ये बात कर रहा था कि रिलीजन में एंटर होने से पहले हर इंसान देखता है, अगर कोई रिलीजन छोड़ के एंटर हो रहा है तो, कि उस रिलीजन के अकीदे क्या है, उसके फेथ क्या है, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर क्रिश्चियनिटी में, सपोज मैं अगर क्रिश्चियनिटी में आता हूँ, तो मैं देखूंगा कि क्रिश्चियनिटी का खुदा का क्या अकीदा है, क्रिश्चियनिटी में सेल्वेशन क्या चीज है, और ये एक दो चीजें मैं देखूंगा।
देखिए जहां तक खुदा का अकीदा है, तो मैं एक चीज समझता हूँ कि यार अगर अगर क्या कहते हैं बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि फादर सन और होली स्पिरिट एक हैं, तो फिर ट्रिनिटी को क्यों माने। एक सेकंड अभी मेरी बात आप काटिएगा ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक क्रिश्चियन दोस्त है, जोशुआ नाम है उसका, वो ट्रिनिटेरियन नहीं है, वो यूनिटेरियन है। वो आप माइंड ना कीजिएगा, वो तो कहता है कि ट्रिनिटेरियन बुरे हैं और वो तो गालियां देते हैं, कहते हैं इन्होंने तीन बना दिए, हम तो यहाँ एक को पे ब्रेक मानते हैं। लगाइएगा, यहाँ पे ब्रेक लगाइएगा प्लीज। पहले मैं इस चीज जी को जी एड्रेस करना चाहूंगा। जी जरूर जरूर अहमदी मुसलमान है? अहमदी, अहमदी है अहमदी कादियानी की बात कर रहे हैं आप? जी, कादियानी मुसलमान है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं मुसलमान। क्यों मुसलमान नहीं है? और क्योंकि सर उन्होंने कुरान के अगेंस्ट चले गए हैं, और कुरान में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी रसूल रसूलुल्ला है, कुरान में और लिखा हुआ वो आखिरी नबी जो रसूल है? कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ आखिरी है नबी रसूल है, तो और उसमें वो लिखा उसी हुआ है ना वर्स को कि यूज सूरह करते हैं अजाब की आयत है, शायद शायद जी, वो कुरान उसी की है सूरह अजाब उसी की आयत वर्स है। को उसी वर्स को वो यूज करते हुए कहते हैं कि ये आखिरी का वर्ड नहीं है, ये मोहर का वर्ड है, मोहर आखिरी नहीं होता। अच्छा वंस अगेन, ये नहीं मेरी नहीं इस पे हेडिक नहीं है, हमें डिफेंस करने की मेरी जरूरत हेडिक नहीं नहीं है है, इसके ऊपर, मेरी हेडिक लेकिन नहीं आप है आगे वंस अगेन बोलिए। वो। हाँ, ये हेडिक नहीं है। अच्छा आपने उनको कह दिया वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। जी ये जी जो यूनिटेरियन किस्म के लोग निकले हुए हैं, आपको पता है जी किस जी सन में निकले थे? ये नहीं नहीं ये आइडिया नहीं है, आप बताइए सर, आप नॉलेज वाले पर्सन मॉर्मन इंसान है, मैं आपके पास ही सुनने आया हूँ सब कुछ। जुआवा विटनेस 18वीं सदी ईस्वी की पैदाइश है, नहीं अठारह मैं जेहोवा सौ विटनेस की बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं सुन नहीं ले, नहीं नहीं और सॉरी, आप सर बाकी गलत समझ एक बैठे सेकंड हैं। रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको सारे फिरके बताता हूँ, रुक जाए। या जी जी 1880 के बाद की पैदाइश है जुआवा विटनेस वाले, ठीक है। सही सही मॉर्मन जो है वो भी 18वीं सदी की पैदाइश है, 1800 कुछ में वो लोग आए थे, कि 1700 कुछ में, समवेयर अराउंड दैट, ठीक है। ये मॉर्मन्स और ये जो ये यूनिटेरियंस हैं, ये सारे इसी की नस्ल से निकले हुए हैं, ठीक है। यार ये मोर्मन कौन होते हैं? ये मैंने आपसे पहले भी लफ्ज सुना है, ये क्या है, इन ये कौन ये होते वही हैं, है ना, इनका मिलन किस यूनिटेरियन ही चीज है से ना, होता और मेरे भाई यूनिटेरियन ही है, दोनों यूनिटेरियन है। जो आ विटनेस भी है? अच्छा यूनिटेरियन अच्छा है। आई डोंट सही सही केयर सही अबाउट देम, ओके, व्हाई सही आई डो सही नॉट केयर अबाउट देम। ये सही सही बाइबल के 1800 साल के बाद पैदा हो रहे हैं। चलो मैं इनको ओल्ड लीनियंट देता हूँ, 1700 साल, ओके, ओल्ड लीनियंट दे दो, 1500 साल बाद पैदा हो रहे हैं, ठीक है। और अपने एक स्कॉलर को पकड़ के, उसको दीन का हक बना के, सारा कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं जी, हम जो हैं वो ये हैं। आप मुझे इनके बारे में सवाल भी क्यों कर सकते हैं, पहले मुझे ये बताएं, जबकि आप बजाते खुद बिहाई वाले लोगों को भी नहीं मानते, नॉन मुस्लिम मानते हैं, शियाओं के मजहब में बिहाई आया था, ठीक है। बिहाई साहब आ गए थे, उन्होंने कहा था जी मैं भी प्रॉफिट तो नहीं, मैं प्रॉफिट्स के बाद एक वो हूँ, पता नहीं क्या, ओलिया अल्लाह, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर, मसीहा उसने कुछ अतउज बना दिया मौला था वो। बिहाई, ठीक है। और दूसरी साइड पे आपके ये गुलाम अहमद कादियानी साहब आ गए थे, ठीक है। जब मैं आपसे उनके बारे में क्वेश्चन नहीं कर रहा, आप मुझसे क्यों कर यूनिटेरियंस के बारे में क्वेश्चन करना चाहते हैं? जी, पहली बात तो ये, अगर आपको बुरा लगा मेरे सवाल का तो मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है, आप अगर पाकिस्तान में रहें, शायद आपको शफीक कंवल का पता होगा, इनकी कुछ दिन पहले एक डिबेट हुई थी एक यूनिटेरियन से, और उन्होंने बाइबल की जो वर्सेस कोट की थी ना, बाइबल की, मैं उनका अकीदा नहीं बता रहा सर, वो मैं वर्सेस देख के बड़ा हैरान रह गया, और मेरी बड़ी नॉलेज वहां से पड़ी यूनिटी यूनिटेरियन के बारे में, एक तो तो सर वो आप बाइबल की जो है ना, वर्सेस कोट कर आई डोंट केयर मैन, ठीक है, इस रहे वक्त उनकी बात नहीं हो रही मेरे थे। साथ। देखें, आप मेरे साथ अच्छा किसी आगे देखें, मैंने आपको बार बार एक ही बात कही है, आप जी मेरे जी पास जिस अकीदे से आ रहे हैं ना, उस अकीदे से आए, दूसरे अकीदे से ना आए, ठीक है। वो बाइबल के ऊपर आएगा, मैं उसके साथ बाइबल के साथ खेलूंगा, ठीक है। और मैं, सही सही क्योंकि वो बिल्कुल बाइबल पे आ बिल्कुल रहा है, वो आए मेरे पास एज ए यूनिटेरियन, मैं देखता हूँ वो बच के कैसे भागेगा, ठीक हो गया। बहुत अच्छा कमाल हो गया। हाँ वो अब मैंने सैम आप शिमून की डिबेट भी शायद सुनी थी यूनिटी यूनिटेरियन के ऊपर, ये उन्होंने बात जी, की थी शायद किसी के साथ। जी जी बोले आगे, आप बोले। अब आप अपना सवाल जारी रखें, और यूनिटेरियन को दोबारा ना हाँ प्लीज लाइएगा। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी थी, चलिए छोड़ देते हैं इनको। खैर मैं आपको बात ही कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लोग, तमाम जितने लोग हैं ना, ये सिवाय कादियानियों को सब उम्मत मानते हैं कि ये काफिर है, सारे के सारे मुसलमान कहते हैं कादियानी काफिर है। लेकिन जो आपने बात की है कि आप मानते हैं कि सिवाय आपके सारे क्रिश्चियन जो है वो काफिर हैं, काफिर ना मतलब देखें, क्रिश्चियन नहीं है वो। नाउज़ बिल्ला, मैंने आपसे पहले बोल दिया है, तमाम यूनिटेरियन, चाहे वो मॉर्मन हो, चाहे वो जुआवा विटनेस हो, चाहे वो अपनी कोई नई सेक्ट निकाल लें, वो क्रिश्चियन नहीं है। और ये बात मैं अच्छा पहले भी अच्छा कह चुका हूं, और मल्टीपल टाइम कह चुका हूं, और मैं हर दफा कहूंगा, वो सही हेरेटिक्स सही हैं, सही वो सही हेरेटिक्स हैं। सही सही तो सही सही लिहाजा ये जो 2% का फितना है ना,
ये 2% है टोटल, लिहाजा ये जो 1.5-2% के फितने हैं ना, इनको आप साइड पे कर दे, क्योंकि आपके पास 3% का फितना है। बिहाई लोगों को मिला दूं मैं और ये अहमदियों को, कादियानियों को मिला दूं, आपके पास 3% का फितना है। वैसे तो शिया काफिर और सुन्नी काफिर, अगर मैं शिया सुन्नी काफिर निकाल लूं तो वो आपके पास कोई 15-20% का मसला आ जाएगा। शियों के मुताबिक सुन्नी काफिर, सुन्नियों के मुताबिक शिया काफिर। आपको पता है कि किस तरीके से लड़ाइयां हो रही होती है, कराची में भी, लाहौर में भी और बाकी शहरों में भी, शिया काफिर सुन्नी काफिर गेम चल रही होती है। तो यार वो तो जो लिहाजा लोग लड़ रहे हैं लड़े हैं भाई, हम तो कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक की लड़ाई होती तो आप कहेंगे भाई वो गलत कर रहे हैं, वो तू तो गलत कर रहे हैं। चले भाई, ये बात कहाँ से वो कहाँ गलत निकल नहीं ना कर जाती रहे, है वो लानत इस भेजते हैं ना चैनल से आप उमर शुरू पे, होते हैं और आप उस्मान एंड पे। पे खत्म सुन्नी शिया पे ही हो जाते यार हैं। देखे वो अबू बकर पे लानत भेजते हैं, वो उमर पे लानत भेजते हैं, वो अली नहीं वो सॉरी अली गलत नहीं, करते अली को हैं, तो वो प्यार गलत करते हैं, करते हैं ये मैं वो गलत मानता हूँ, करते लेकिन हैं मैं ना। ये तो नहीं कहूंगा ये करने से वो वही ना नॉन मुस्लिम हो गए हैं, मैं ये तो नहीं भाई, कहूंगा। उनका कलमा चले वो फर्क बात है। फिर आप आगे लोग चल। ये कहते हैं भाई, मुझे बचपन से पढ़ाया एडम गया था, मैं मुसलमान एडम था, मुझे यार आप बचपन से, बताए, सुन ले एडम एक आप सेकेंड, बताए यार इस पे डिस्कस करके क्या फायदा होना है बताइए आप। मुझे जब वो बचपन, बुजुर्ग सर गालियां आप दे मान नहीं ना सही है रहे, गलत है। क्योंकि आप मान नहीं रहे, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ाया गया था, उनका कलमा फर्क है, वो कहते हैं अली वलीउल्लाह, तो लिहाजा आप इस चीज यार को मैं माने इस ना, पे ऐसा फिर ना ना आपको करें। कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। अगर दे अगर आप चाहते तो मैं दे देता हूँ जवाब इसके ऊपर। हाँ मैंने दे ना इसके ऊपर, जवाब, मुझे मेरे कुछ बताए ना। काफी क्रिश्चियन, मेरे काफी शिया लोग दोस्त हैं, तो खैर हम मैं आपसे क्रिश्चियनिटी सवाल तो पूछता हूँ, सुन्नी शिया की एंड पहले लेते मुझे, हैं। पहले मुझे इस अली चीज का वली अल्लाह का जवाब फिनिश दे रहा, करें, अली वली हाँ अल्लाह का अली जवाब वली दें, अल्लाह बताता हूँ। देखें वसी उल समी अल्लाह का अगर भी तो जवाब कोई, दीजिएगा। आपको ये बात कर रहा हूँ कि अगर तो कोई शिया कहता है कि अली वली अल्लाह लगाए बगैर, अली वली अल्लाह लगाए बगैर कोई इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, तो सर मैं आज आपके सामने ये बात कह रहा हूँ डंके की चोट पे कि वो गलत कह रहा है और वो कुफराना अकीदा रख रहा है। ये कह रहा था कि देखिए अगर कोई शिया इस चीज का अकीदा रखता है ना कि अली वली अल्लाह लगाए बगैर कोई इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता, तो मैं आज आपको ये कह रहा हूँ, बेशक आप जाके शिया को सुना भी दें कि भाई ये कुफराना अकीदा है। अगर कोई मोहब्बत में कह रहा है ना अली वली अल्लाह का क्या मतलब है, अली खुदा का वली है, वली मतलब उसकी बहुत इबादत करने सर जी, वो वाला बंदा शिया ही नहीं है जिसको जब तक ये खुदा पूरा पसंद कलमा नहीं करे। पड़ेगा। नहीं, वो जब तक ये पूरा कलमा नहीं पड़ेगा वो शिया ही नहीं है। बात खत्म हो गई, आगे चले। नहीं मैं आपको अब आप बात क्या बता रहा कहेंगे? हूँ, नहीं, नहीं, मैं ये बात कर रहा उनके हूँ कि मुताबिक वो शिया अगर ही वो नहीं ये है ना कहते हैं कि सर। पढ़े बगैर शिया, नहीं, मैं शिया की बात नहीं कर रहा है एडम भाई, मैं ये अब वो बात कर रहा सुनियों हूँ। को तो अगर कोई वैसे ही शिया काफिर कहता है कि कहते कोई हैं मुसलमान ही नहीं है, अगर वो सर, ये वो तो कहते हैं जैसे अहमदी कहते हैं कि जब तक आप गुलाम कादियानी को नहीं मानेंगे तो तब तक आप मुसलमान नहीं है, अगर ये कहते हैं अली वली नहीं लगाएंगे तो आप मुसलमान नहीं है, फिर गलत है। बाकी शिया जो मर्जी पढ़ के बनाते बस पढ़े, तो फिर गलत मोहब्बत हो में गए कर ना, रहे हैं ना। तो गलत हो गए ना, गलत हो गए, क्योंकि उनका उनका तो खत्म ही नहीं होता इसके बगैर, नहीं, उनका मैं गलत तो नहीं कहता। इसके बगैर खत्म ही अगर नहीं होता। एडम सर एडम भाई देखिए, मैं ये आप बात कर रहा शियाओं को हूँ जानते कि नहीं है, आप, मैं नहीं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप शियाओं को नहीं जानते, ठीक है, मैं आपको गारंटी दे अगर सकता शिया मेरे दोस्त है और कुछ हूँ। हाँ, आप सैयद नहीं लोग भी जानते, शिया वो दोस्त है, दोस्तों कुछ दोस्तों नॉर्मल में जो, शिया है। हाँ वो दोस्तों में आपके साथ जो कर रहे हैं ना, वो दूसरी चीज कर रहे हैं, वरना आप शियों को नहीं जानते, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज का। सही तो सही, चले कोई एनी हाउ, बात नहीं, कोई आगे बात चले, नहीं, आगे चले। सही सही कोई बात नहीं। मैं ये बात कर रहा था कि एडम यार मुझे बताओ, आप फिर ये समझेंगे कि यार मैं आपको डिफेंड कर रहा हूँ। यार अगर जीसस ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूं तो फिर कैसे मैं उनको खुदा मानूं यार, बताएं आप। वो तो कह रहे हैं खुदा एक है, अच्छा एक ही खुदा की इबादत करो। थैंक ग्रेट, कितनी कितनी जबरदस्त बात कर दी आपने। देखिए, यू यार, सबसे मेरे को पहले शायद आप गालियां दे के देखिए, मुझे यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं नहीं सर देखिए, क्यों, मैं क्यों गालियां निकालूंगा आपको, मैं क्यों गालियां नहीं निकालूंगा। आप बड़ा गुस्से वाले इंसान है, मैंने आपकी कुछ चीजें सुनी है, आप तो एंड पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं। मैं इसलिए बहुत चिल होकर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई मेरी बात बुरी ना लग जाए। सर देखिए, मैं, आप अगर सवाल करेंगे ना, इम्प्लाई नहीं करेंगे, तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ले पकड़े सर, आपका कुरान कहता है कि अल्लाह और मसीह के अलावा किसी को रब नहीं बनाओ। अत्तखुज़ू दे हैव टेकन अहबारहुम देयर रबाइज व रहबानहुम देयर मंक्स अरबाबन एज लॉर्ड एज रब अरबाब इज द रूलर ऑफ रब मिन दून इल्लाही बिसाइड अल्लाह वल मसीह। क्या करूं? एडम मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कुरान को अगर बार बार कोट करेंगे तो ये है कि सर फिर क्या मैं अगर कोई क्रिश्चियन हो जिस जाता है तो वो वक्त, फिर कुरान को ही मानता, फिर आप सर हर देखें, चीज को कुरान से भी चले जाते हैं, आप अपनी बाइबल में से भी तो कुछ दिखा दें बराए मैं मेहरबानी। आपको बाइबल में से तब दिखाऊंगा जब आप कुरान को फेंक देंगे, छोड़ देंगे, सॉरी फेंक देंगे, गलत लफ्ज यूज कर लिया मैंने, आई एम सॉरी टू से, जब आप कुरान को छोड़ देंगे, मोहम्मद को छोड़ देंगे, तब मैं और आप बाइबल के ऊपर बात करेंगे।
आप मुझे आज कहें कि नहीं सर मोहम्मद एक देखिए, झूठा नहीं नबी नहीं सर है, ये होल्ड देखिए, ऑन ये तो आपकी होल्ड ऑन, कंडीशन, ये तो आपकी कंडीशन बहुत गलत है कि अगर नहीं मैं पहले मेरी सब डिनाउंस देखिए, करूं, ऐसे मेरी, तो कोई क्रिश्चियन हाँ नहीं जी, करता, ना मैं सैम शमी, ऐसे क्रिश्चियन कर करनी रहा है। आपको, मैंने आपको क्रिश्चियन करना ही नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे आपको क्रिश्चियन करके मुझे जन्नत नहीं मिलनी, सिंपल सी बात है, मुझे किसी को क्रिश्चियन करके जन्नत नहीं मिलनी। ये मुसलमानों का अकीदा है यार, किसी को मुसलमान कर लिया है वाजिबा, आपका पलरा बहुत भारी हो गया, बहुत ढेर सारा सवाब मिल गया। मुझे ऐसा कोई अकीदा नहीं है, लिहाजा मुझे आपको क्रिश्चियन करके कुछ नहीं मिलने वाला। द होल थिंग इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था, प्याला अगर आपका फुल है तो मैं कुछ और नहीं डाल सकता और ना ही मैं डालूंगा, सिंपल सी बात है। देखिए मुझे ये देखिए, मतलब बताएं, बाइबल में से देखिए, सैम सॉरी मैं एडम, यार सर एक बात आप सर मान ना देखें, लीजिएगा। सैम ले लें, एडम ले लें, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज, व्हाट मैटर्स इज कि आपका कुरान क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, क्योंकि इस वक्त आप कुरान को मानते हैं। मुझे ये बताएं कुरान ऐसा क्यों कह रहा है। एडम फिर वही बात आ जाएगी, सर मैं आपसे एक म्यूट हो गया, सिंपल सी म्यूट हो गया, बात कर सॉरी रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूँ। एडम देखिए देखिए एडम, कोई भी इंसान अगर आपसे क्वेश्चन पूछने आ रहा है तो आपका क्या फर्ज बनता है, आप उसकी भी कोट करें, मैं ये नहीं कर रहा आप उसका स्क्रिप्चर मत कोट करें, आप सर जरूर करें कुरान को भी, मैं लेकिन बिल्कुल आप कर अपनी भी दलील दूंगा, लेना, आप अपन पहले अपनी मुझे दलील एक अपनी दलील भी दे माइंड दूंगा, ना मैं दे देता कीजिएगा, हूँ, मैं माइंड देता ना हूँ दलील, कीजिएगा, पहले आपके साथ मेरी जितनी भी बात हुई है ना, 1 घंटा 11 मिनट हो गए एडम भाई, लेकिन आपने एक भी बाइबल की वर्स कोट नहीं की, मिनट बाद आप भाई कुरान के बात करके मुझे, आते, मतलब आप कुरान के बगैर अपना अकीदा नहीं कर सकते क्या साबित। भाई जब आप अभी तक इस चीज पे लगे हुए हैं कि बाइबल करप्ट है, आपने सही उस सही वक्त मुझसे माना नहीं जो मैंने पहले आपको दिखाया, जब आप ये मानते ही नहीं है कि बाइबल एक अल्लाह की किताब है, खुदा की किताब है, ठीक है, और करप्ट नहीं है, मुझे आपको बाइबल दिखा के कितने नफलों का सवाब होना भाई। एक मेरे किताब भाई, ही आप बताएं, आपके मुताबिक, आप तो कुरान को भी नहीं मानते ना, फिर आप कुरान को किस अथॉरिटी पे सर कोट क्योंकि करते हैं, आप मानते हैं, तो सर आप मैं मेरे भी वही पास कुरान को, कह रहा जिस दिन आप हूँ। उसको नहीं मानोगे उससे हाथ झाड़ लोगे और मेरे पास आओगे, मैं आपको बाइबल के अलावा कुछ खोल गया तो मुझे बता देना। मुझे पहले मेरे ये भाई बताएं मैं अगर आप बाइबल को तो मानते हैं ना, आप तो मानते हैं ना, मैं अगर आपको यार, देखें बाइबल की एक दो वर्स में देन में अभी नहीं है, मैं अगर आपको मुझे, दिखा नहीं दूं, वो भी मैं भी ढूंढ के दिखा देता हूं कि मुझे जहां आप पर कुछ ना दिखाएं, खुदा कह रहा मुझे है आप कि कुछ ना खुदा एक दिखाएं। है। और भाई खुदा एक है तो हम मानते हैं खुदा एक है, किसने कहा कि खुदा एक नहीं है, किस उल्लू के नहीं नहीं पट्ठे नहीं ने नहीं कहा है कि खुदा एक नहीं है। नहीं 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 आप लेकिन ये बात कर रहे आपका, हैं कि लेकिन आपका अल्लाह ये कहता है कि मेरे और मसीह के अलावा, अल्लाहू वल मसीह, नहीं, अल्लाह एंड ये तो कहीं मसीह, पर भी नहीं लिखा हुआ, मैं ये तो कहीं पर भी नहीं आपके लिखा हुआ सामने, कि अल्लाह और मसीह, आपके नहीं नहीं यहाँ सामने पर क्या ये तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा तो हुआ है ये तो नहीं बताएं। लिखा हुआ कि मैं, आप ये वर्स मुझे क्लियर कर आप दें, मैं कुरान, आपकी बात मानता हूं, पहले ये वर्स मुझे क्लियर सर करके मेरी दें। बात सुनिए, अरबी मेरी में क्या बात लिखा हुआ है सुनिए सर, सर, मेरी छोड़ दें, बात सब सुनिए, कुछ छोड़ दें, इसके एक एक बाद बात करने दे, एक सेकेंड, नहीं रुके नहीं रुके नहीं एक एक बात रुके मैं कहना चाहता हूँ, रुके, आप माइंड ना करिएगा मैं कि इसके बाद आपसे मैंने जितने भी आपको, क्वेश्चन पूछे हैं ना, मैं इसके आपको कुरान बाद, के अलावा सहारा नहीं मिला कि आप कुशाजी उसको सबर साबित कर करें, और सके। मेरे पास सारे सहारे हैं मेरी जान, आप टेंशन ही ना लें, तो आप मेरे सर पास सारा बाइबल की कुछ है। वर्स भी कोट करें, मैं मानूंगा, क्यों नहीं और मानूंगा, अगर भाई मैं बाइबल में लिखा हुआ है कि जीसस गॉड है, मैं मान जाऊंगा, वो आप मुझे पढ़ा दिखा चुरी रहे हैं तले जीसस ने साल कहा कि है, मैं खुदा हूं, और मैं मुझे अभी इसी जीसस को वक्त ये बात, मान जाऊंगा। अब भाई जीसस को ये बात कहने की जरूरत ही नहीं थी, जब सारी दुनिया उसको वर्शिप कर रही है, जब लोग उसकी प्रस्तिश सारी कर रहे हैं, दुनिया नहीं उसको कर कहने रही, की जरूरत क्या है। नहीं, अच्छा हाँ अभी मुझे, पूरी दुनिया का जो क्रिश्चियंस का रेशो बनता है वो 20% बनता होगा या 30% बनता होगा, मुस्लिम्स भी है, हिंदूज भी है, एथियस्ट भी है, अभी ये नहीं कह सकते सारी दुनिया कर रही है, भाई मुसलमानों का ठीक है, रेशो क्या है, मुसलमानों का रेशो क्या है, मुसलमानों का क्रिश्चियन से काम नहीं है। कम है ना, तो फिर आप, जी जी इस रेशो के ऊपर क्यों जा रहे हो, नहीं, मैं आपके अभी अल्लाह को बात कर मानने रहा हूँ, वाले और पूरी आपके दुनिया, मोहम्मद पूरी को दुनिया मानने वाले। वर्शिप कर रही है और सर, पूरी भाई दुनिया वर्शिप नहीं कर जो रही। उस वक्त वहां पे मौजूद थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाइबल के मुताबिक जो लोग वहां मौजूद थे वो उसको वर्शिप कर रहे थे, ठीक है, वो मैं आपको बाइबल की वर्सेस अभी कोट कर दूंगा। छुट्टी थले साल है लो, पहले मैं ए दस दियो, क्योंकि तुसी क्या सी ए, कि कुरान ए नहीं लिखा, कुरान में लिखा है उन्होंने ले लिया अपने यार रैबाइज एडम, को और कुरान में तो अपने मॉन्क्स क्लियरली को। मैं आपको एक वर्स, और यार वो वर्सेस क्लियर मुझे बाद में दिखाना, पहले मुझे ये वर्स एक्सप्लेन कर दे, तेरी मेहरबानी। क्या लिखा हुआ इस वर्स में, एडम ये देखिए वर्स मैं आपको एक्सप्लेन बात कर कर रहा हूँ, कुरान में यार। क्लियरली जो चीज लिखी है ना कि कुल वल्लाहु अब मैं अहद, कि देख, अल्लाह तू एक मेरे ही है, हर तो सवाल अल्लाह एक पे, ही तू है। मेरे कुल वल्लाहु अहद, मैं अभी कुल वल्लाहु अहद पे चला जाता हूँ, अभी अब रुकी जाई ना, मुझे ये क्लियर कर यहाँ क्या लिखा हुआ, उसके बाद मैं कुल वल्लाहु अहद पे जाऊंगा। अब यार यहाँ प्लीज पर ये कहीं क्लियर पर कर भी मुझे दे, नजर नहीं आ रहा कि जीसस गॉड है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, मैंने, और भाई मैंने कहा है कि जीसस गॉड है, लिखा तो क्या हुआ वो पढ़ आप दे, कह रहे हैं और भाई लिखा क्या हुआ वो पढ़ दे, प्लीज लिखा क्या हुआ वो पढ़ दे। अब तू मुझे यार तपा रहा है,
यार देखिए, फिर आप गुस्सा कर रहे हैं तो फिर आप चले जाएं, कोई बात नहीं, हम दोबारा मैंने बात कर लेंगे। आपको नहीं कहा नहीं है सर, मैडम, देखिए देखिए मैं नहीं चाहता कि आपकी मेरी बात खराब हो। अगर आपको गुस्सा सर, आ रहा है तो आप जा सकते हैं आप सर, कोई देखिए मसला क्योंकि नहीं, आप मुझे मैंने कोई बता बुरा नहीं नहीं रहे। माना। आपने आप जितने भी मेरे, वर्सेस कोट किए कुरान की, यार बाइबल के भाई दिफा एक में, सेकेंड, तो वो मेरे कोई बात बाइबल के नहीं, दिफा आप में, बाइबल की ठीक एक है, वर्स भी कोट नहीं कर पाए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, मैं सर कोई वर्स नहीं कोट कर पाया। मुझे पहले सिर्फ इसका आंसर दें। मैंने आपको क्या, मैं आपको बाइबल पे लेके चलता हूँ, जरा मुझे इसका आंसर दे दें प्लीज, जो आपके सामने सर पड़ा हुआ यहाँ है। पर यहाँ पे कहीं क्या पर भी लिखा हुआ, मुझे नजर नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला फरमा रहे हो कि जीसस क्या लिखा कहाँ हुआ है, है कहीं पर सर, भी नहीं। क्या लिखा हुआ है, पढ़ देना मेरे भाई, मैडम पढ़ भाई, तो आप दें, अरबी पढ़ दें, यार एक सेकंड यार, फिर अरबी मुझे पढ़ दें। थोड़ा स्क्रीन स्क्रीन को थोड़ा करना पड़ेगा, ये वर्ड सही से डिम नजर नहीं आ रहे। इत्तखजू इत्तखजू आबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, वल सॉरी, मसीह वल मसीह मिन इब्न दुनिल्लाह वल मरियमा मसीह। वमा ओके अच्छा, अमिरू इल्ला लियाबुदू ये इलाहा क्या कह रहा है, वाहिदा। ये क्या जी कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसको ये जरा मुझे नहीं पता लफ्ज क्या बाय कह रहा लफ्ज है, पढ़े, ट्रांसलेशन खोलिए। लफ्ज बाय लफ्ज पढ़े, क्या लिखा हुआ है। अत्ताखुजू, दे हैव टेकन, हाँ आपको हाँ ओवरराइड, दे हैव टेकन, उन्होंने ले लिया किसको, जी अपने रैबाइस को और अपने मंक्स को, एज लॉर्ड, एज रब, मिन दूनिल्लाह, इंस्टेड ऑफ अल्लाह वल मसीह। क्या नहीं, करूं, ट्रांसलेशन अल्लाह आप और गम करें ना, मसीह के कहाँ पे अलावा, लिखा हुआ है अल्लाह और मसीह को, दिखाइए जरा यार ये ट्रांसलेशन, मैं तो देख ट्रांसलेशन, सकते हैं। सही इंट्रेशन, दे हैव टेकन देयर स्कॉलर्स एंड मंक्स एज लॉर्ड्स बिसाइड अल्लाह एंड मसाया। ये ऑल्सो तो वैसे ही हाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये अरबिक में मौजूद नहीं है, अल्लाह वल मसीह। नहीं, सो दे हैव ऑल्सो ऑल्सो टेकन, मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑल्सो और दिखा मौजूद है। पे जाए, ये दिखा दे, चल तेरी मेरी यहां पे ही गेम बन गई, तू मुझे आल्सो दिखा दे। यार एदम आप गुस्सा कर रहे हैं, मैं ओ ही कह रहा भाई हूँ आप गुस्सा कॉल नहीं, करके मैं खत्म ये करना बता चाहते रहा हैं, खत्म हूँ, करना मेरी चाहते जान, मुझे मेरी जान, मुझे ये दिखा दे यहाँ पे, मैं यहाँ पे खुश हो जाऊंगा, मुझे आल्सो हैं। दिखा हाँ दे। ये जो वाओ लिखा हुआ है ना, वाओ, ये मैंने सुना था, और ये ऐसे ही है, वाओ का अच्छा, ये मतलब आपने होता है सुना था, और, ऑल्सो वाव का मतलब होता है एंड, और ऑल्सो अलिफ भी होता है वाव सर। रे मैं और, इंग्लिश, ऑल्सो नहीं होता, मैं एंड होता है, या तो सर एक एंड सेकेंड, लगेगा या ऑल्सो लगेगा, एंड का दोनों नहीं लगेगी। सिंनम ऑल्सो भी होता है, अगर आप देखेंगे ना, मैं ओके इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, लिसन, मुझे इस चीज ओके का पता है, हेलो पता हेलो है मेरा हेलो इंग्लिश हेलो, सब्जेक्ट है। ओ मेरे प्रा, और रुक जा, तो फिर एना दो जो एक लफज ही आएगा ना, दो तो नहीं ना आएंगे, कौन सा या तो एंड आएगा या आल्सो आएगा, दोनों तो नहीं ना आएंगे, एक ही वाव है ना, एक नहीं, वो तो लगाओ ना, दोनों समझाने कैसे के लिए लगा अभी रहे कर हो, रहे हैं ना, वो तो समझाने के लिए समझाने कर के लिए कह रहे हैं। रहे हैं। अच्छा ओके, अच्छा चल फिर, अब ये मुझे जरा पढ़, अल्लाह एंड द मसाया, बनती है गेम, एंड अब ऑल्सो मुझे रा दे, मसाया, नीचे करे जरा। और आल्सो नीचे, तो नीचे तो अगली वाली चीज है, इब्ने मरियम व मा अमराहू, दैट्स सेपरेट थिंग, मगर मुझे पहले हाँ ये जी, दिखाना क्या दोनों हैं अल्लाह और मसाया के नहीं नहीं दरमियान में यार, वाव लगा इस हुआ। आयत में तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, इसमें तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपने रबाइज को और इनको, और ये बात सच भी है कि क्रिश्चियन जो है वो जीसस को गॉड बना लिया, और ये तो हमारे सामने ही है चीज, ओ भाई इसी में कोई मसले बहस भाई, वाली बात हेलो नहीं है। हेलो 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 हेलो, लर्न व्हाट इट इज सेइंग, दे टेक देयर रैबाइज एंड मंक्स, वो अपने रैबाइज और अपने मंक्स को खुदा बना लेते हैं, इंस्टेड ऑफ, जबकि उन्हें बनाना चाहिए अल्लाह और मसीह को, ये लिखा हुआ है, जाओ किसी भी यार मेरे अरबिक भाई, स्पीकर मेरे से। भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, एक सेकंड एडम, हम ये मसला अभी इसी वक्त सॉल्व हो जाएगा, इसी वक्त। कुरान को उतरे हुए 1400 साल हो गए हैं, अच्छा ठीक है, कुरान आपको भी पता है, आप मानते भी हैं, 1400 साल की हिस्ट्री में आज तक अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आज आप 21वीं सदी के अंदर क्रिश्चियंस आके हमें बता रहे हैं कि मिन दूनिल्लाहि वल मसीह का मतलब ये है, पीछे जितने 1400 साल में लोग गुजरे हैं किसी ने यकीदा नहीं रखा, तो ये सर क्योंकि आप, वो मैं समझता हूँ कि गोल डिसऑनेस्टी गोल है, घुमाते हैं ना तो इस बाकी चीज मैं ही को, बात कर रहा हूँ, एक अगर सेकेंड, बाइबल की वर्स आप कोट करते तो मैं तो बड़ा खुश वो होता गोल गोल कि अगर घुमाते आप हैं बाइबल को, इसको, लेकिन आपने तो कुरान को ही बार बार अपना ये जरिया देखे ना, बनाया, गेम मतलब आप बाइबल को अपने ऑन गेम पे आप नहीं कर बनाते हैं। अब सकते मैं डिपेंड। जरा आपकी उस पे चला जाता हूँ, क्योंकि आप बार बार जो है ना, आंसर तो आपने देना नहीं है, आपने कसम खाई हुई है। कुल हु अल्लाह हु अहद, ये ट्रांसलेशन है फी जलालुल कुरान की, ये ट्रांसलेशन है बयानुल कुरान की डॉक्टर इसरार अहमद की, ये ट्रांसलेशन है सैयद अबू अल मदूदी की, ठीक है, ये ट्रांसलेशन क्या कह रही है। आपने जब कहा ना चलो उस पे चलते हैं, मुझे लगा शायद आप बाइबल की वर्स कोट करेंगे, मैं तो लेकिन वहां पे नहीं भी किया जाने लगा आपने, हूँ, अब कोई जरा बात इधर नहीं, देखे, क्योंकि आप, कोई मैंने बात आपको कहा नहीं, था कि इसके नहीं बाद मुझे मैं नहीं कुलू लगता, अल्लाह हु अहद मैडम पे मुझे नहीं जाऊंगा लगता, क्योंकि सर, एक मैंने घंटा 20 मिनट हो गए, आपने मैंने एक सर बाइबल की ये, वर्स कोट नहीं किया अब अपना भाई अकीदे जान, को क्योंकि साबित करने के आपने लिए। अपने अकीदे को साबित करने के लिए एक जवाब नहीं दिया, येट यू आर अ मुस्लिम, नहीं, और मैं बार मैंने बार तो यही कभी भी बात कर क्लेम रहा नहीं हूं, किया कि मैं कोई आपने स्कॉलर हूँ या मैं एक, आपको जवाब दूंगा, ना मेरा कोई चैनल सर है, तो आप ये तो फिर मैंने बात मेरे, कभी नहीं की। सर देखे, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब आप और मैं स्टार्ट हुए थे, मैंने आपको कहा था जब तक आपका प्याला फुल है, मैं आपके प्याले में कुछ नहीं डाल सकता हूं,
मैंने आपको अभी अरे बात तुम देखे, स्टार्ट बात होने से यह है पहले कि कही मैं थी। आपसे आपके साथ न्यूट्रल अच्छा, होके ही बात कर रहा हूँ। मैं ये अभी नहीं कह रहा, पहले मैंने तो आपने मुझे कहा था कुलुवल्लाह अहद, कुरान कहता है कुलुवल्लाह, आपने कहा था, मैंने नहीं कहा था। ये क्या लिख रही है तीनों ट्रांसलेशन अहद के बारे में, प्लीज जरा मुझे ये समझा दे। अल्लाह एक है, एक है, जरा दोबारा पढ़े। अल्लाह एक है, यही तो लिखा हुआ है, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह है आपसे एक। एक एक है, सेकंड यार, मैं जरा ना अपना ये लाइट ऑन कर लूँ, आपको क्योंकि मैं जरा ऊपर हूँ तो वो रोशनी पड़ रही है। एक सेकंड, ऐना की बहुत ज्यादा क्योंकि जरूरत वो है मेरे ख्याल अल्लाह में। है। इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं, जूम जूम ये ले जी, और जूम कर तो दिया। बहुत जूम। वो अल्लाह है, यकता एक है। ओके, एक है कि यकता है, आगे पढ़े। हाँ, तो यकता और एक में क्या फर्क होता है? वन, और अगर हम कहें क्या कहते हैं, ये देखें जी, यहां से मैं मन यकता नान वाला कॉपी कर रहा हूं, मुश्किल। मैं यहां से यकता कॉपी कर रहा हूं, ये अच्छा ट्रांसलेट डॉट गूगल पे ले जाता हूं। अगर आपको उर्दू भी अब नहीं आती ना, तो बड़ी गेम खराब हो गई हुई है। ले जी, नहीं मैं नहीं आपको इतना लेके जाता हूं उर्दू में, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अच्छा जी, यकता की ट्रांसलेशन क्या होती है? यूनिफाई, यकता कहते हैं यूनिफाइड को, किसी को सही सी इकट्ठा कर बोले देना। बोले आप बोलिए सर, क्या हो गया? मैं बोल तो रहा हूं, आपको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं आ रही है आवाज, तो आ रही है। ओके, तो यकता किसे कहते हैं? आप यूनिफाइड कुछ को ओपन कहते कर रहे थे, हैं, मैंने कहा शायद आप ओपन कर रहे हैं, नहीं हो शो हुआ। यूनिफाइड, यूनिफाइड को यकता को यूनिफाइड कहते हैं, या यकता एक को कहते हैं, जरा मुझे समझाएंगे आप। यार मैं आपको फिर बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सर आपको मैंने वो समझाने क्या, नहीं आया। उर्दू, समझाने आया उर्दू होता का लफ्ज है, तो शायद आपके साथ उर्दू का डिबेट कर लफ्ज रहा है होता। हमने लेकिन भाई, सर मेरे उर्दू तो का आपसे लफ्ज चंद है सवाल आते हैं, और आप मेरे मुझे भाई, बार बार समय से उर्दू मैं मैं डिबेट कर रहा हूँ। मैं आपको समझाऊं, मैं कहाँ आपको समझा सकता हूँ यार। आपको समझाने की बात ही कब कर रहा हूं, या आपको क्या हो गया? जैसे ही जब मैं आपको चीज दिखाता हूं, आप भाग जाते हैं। यकता का मतलब क्या है? यकता का मतलब होता है एक एक होता है, केला। जरा देखिए ये आपके जी जी सामने है, बोले बोले। आपके सामने है सर, पढ़ के बताइए जरा क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिटी। ओके, यूनिटी किसे कहते हैं? इकट्ठा करने को। यकता का लफ्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, यूनिफाइड, यूनिफाइड। यार जरा देखें मुझे समझाएंगे। मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि कुरान की एक ट्रांसलेशन नहीं है, आपने तीन दिखाई है। मेरे पास जो कुरान है उसमें तो यकता नहीं लिखा हुआ, उसमें क्लियरली वन लिखा हुआ है। मैंने सेकेंडली, आपको तीन, हर एक एक लफ्ज के सेकेंड, बहुत से मतलब होते हैं। गूगल ने कोई वो कसम नहीं खाएगी कि एक ही लफ्ज दिखाएगा। आप अगर देखेंगे तो यकता के बहुत से मतलब आ जाते हैं। चलें, मैंने आप मेरी आपको बात सुने आदम भाई। देखें आदम भाई, एक सेकंड, एक मैंने लास्ट में बात करना आपको चाहूंगा, एक ठीक सेकंड रुक जाए, है? एक क्योंकि सेकंड मैं रुक फिर जाए। लेट हो रहा हूँ, मैंने जाना भी है। आपको हाँ जी, बताया मैं था मैं आपको जॉब मुझे, करता हूँ, तो मैं आधा घंटा ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। मैं सर एक बात ये अच्छा कहना चाहता हूँ एडम, आप माइंड ना कीजिएगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आप अगर रिकॉर्डिंग में सुनेंगे ना, मैंने आपसे जितने सवाल पूछे हैं ना, आप फटाफट कुरान के पीछे गए हैं। अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं कभी ये ना करता। मैं सर, आप जहाँ आप से मेरी सवाल पूछा जगह, जा रहा है, मैं आपको वहीं से जवाब देता। मैंने आपको सर पूछा बाइबल मैंने, करप्ट है कि नहीं, आपने जो है कुरान खोल लिया। मैंने आपसे पूछा जीसस गॉड है कि नहीं, आपने कुरान खोल लिया। हर बात मतलब, सर अगर आपको देखें, कुरान इतना जरूरी है तो आप कुरान को खुदा का कलाम मान लेना, फिर सर जी, आप जिस मत दिन छोड़ दें फिर। मैंने आपको पहले से लेके एंड तक एक ही बात कही है, इस कुरान को फेंक दो, मेरे पास आओ, मैं बाइबल नहीं ना दिखाया देखिए, दूंगा। यही तो बात है ना, जब आपके पास अगर आप कुछ नहीं दिखाने छोड़ के रहे, अगर लिए आप नहीं छोड़ रहे, अगर आपके पास अगर आप ऑपोजिट नहीं दिखाने के छोड़ लिए रहे, कुछ है नहीं अच्छा इससे बेहतर, और भाई मुझे अभी ये लगा है। आपको किसने कहा है कि मैं आपको किसी भी सूरत में कन्विंस कर रहा हूं बाइबल के ऊपर एक्सेप्टेंस देने के लिए? किस किस खोते ने कह दिया यार आपको? कन्विंस की बात अच्छा, नहीं, ये अब आपने चूंकि बात नहीं आपने की। मुझे, नहीं अब नहीं ये चूंकि बात अब आपने नहीं की रुक आदम। जाए, अब एक सेकेंड रुक जाए, अब आपने चूंकि बार बार मुझे ये बात कही है, मैंने आपको कहा था कि तमाम लोग जीसस को वर्शिप कर रहे थे, क्या वो कर रहे थे, हाँ या ना? आपने वर्सेस पढ़ी हुई है ये कि नहीं पढ़ी हुई? बाइबल की हाँ जी, नहीं, बाइबल में तो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा ना, ओके, मैंने जरा पूरी बाइबल पढ़ी भी नहीं एक है ना। सेकेंड, ये ले पकड़े। वर्शिप किसको किया जाता है? लूक 24:52, वर्शिप का मतलब तो रिस्पेक्ट भी होता है। आप अगर वर्शिप का मीनिंग वर्शिप का देखेंगे मतलब ना, तो फुल रिस्पेक्ट होता है। रिस्पेक्ट। कौन सी हाँ हाँ लैंग्वेज है जिसमें वर्शिप का मतलब रिस्पेक्ट है? नहीं, वर्शिप, वो मैं आपको बताता आप हूँ, ऐसा करें, एक सेकेंड। मोहम्मद की वर्शिप किस दिन करेंगे आप? नहीं, वर्शिप अगर आप कहते हैं इबादत के मायनों में, तो वो तो फिर नहीं करेंगे मोहम्मद ना। की वर्शिप, बेहतरीन, थैंक यू। सो ये आप ग्रीक स्क्रिप्चर को उठा के पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, बाइबल इंटरलीनियर पे चले जाएं,
दे वर्शिप्ड हिम एंड रिटर्न टू जेरूसलम विद ग्रेट जॉय। कौन से दे, पीछे पढ़ते हैं हम, कौन लोग हैं ये? वाइल ही वॉज ब्लेसिंग देम ही लेफ्ट देम एंड वॉज टेकन अप इन टू हेवन एंड हेंस ऑल द पीपल हु वर वॉचिंग दे वर्शिप्ड हिम एंड देन व्हाट डिड दे डू एंड दे वेंट होम। सर सो वी गो टू अगर मैथ्यू, अगर एक वो सेकंड, चुप करके वर्शिप सुनो, अब वर्शिप चुप करके वर्शिप सुन कर रहे ले, होते चुप करके शुरू करें, चुप करके सुन ले। मैथ्यू चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 33, देन दोज हु वर इन द बोट वर्शिप्ड हिम सेइंग ट्रूली यू आर द सन ऑफ गॉड। दे ऑल वर्शिप्ड हिम, जो के बोट में बैठे हुए थे, दे ऑल वर्शिप्ड हिम, उन सब ने उसकी इबादत की और कहा तुम सच में खुदा के बेटे हो। कहा कि नहीं एडम कहा? देखें, एडम देखिए, एडम अब आप एडम नहीं, नहीं अब कहानी नहीं देखें, अगर बनाएंगे आपको मैं आपने बाइबल से मुझे और कही वर्सेस है, दिखा दूं जहां आपने पर लोग मुझे, और लोगों की वर्शिप कर रहे हैं, तो आप उनको भी खुदा मान लेंगे। अच्छा, मूसा को क्या खुदा नहीं कहा गया? यहाँ पर तो वर्शिप का जिक्र है, मूसा को तो डायरेक्ट खुदा कहा गया ओल्ड टेस्टमेंट में कि हमने आपको खुदा बनाकर भेजा, तो आप मूसा को मैथ्यू खुदा मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे दिखाएं ना। तो मुझे, ये दिखाएं मुझे, मेरे भाई और भाई यार दिखाएं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, वर्स नंबर दे मुझे। सॉरी यार मैं आपको अभी तो नहीं दिखा सकता, स्ट्रीम यार बैक हो जाएगी। ओके, जब, आप उस पे यार, मेरे पास वर्स लिखी हुई है, मेरे जेन में नहीं है, मैं ओके आपको दिखा देता नाउ हूँ। मैं बैक किया ना तो हियर इज वो द थिंग, स्ट्रीम बैक हो जाएगी यार। हियर इज द थिंग। मूसा को खुदा नहीं कहा गया क्या? आप मुझे बता दें, नहीं कहा गया तो बता मूसा को दीजिए, नहीं खुदा कहा नहीं गया, कहा गया, बिल्कुल नहीं कहा गया। नहीं कहा अच्छा, गया। चले ठीक है, एक मिनट। मैथ्यू की नहीं नहीं 28:9 के अंदर भी, मैं मैथ्यू की 28:9 के अंदर भी, 28:9 के अंदर भी आप देखते हैं कि दे ग्रीटेड हिम, सडनली जीसस मेट देम, ग्रीटेड हिम, दे सेड कम टू हिम, क्लैप्स हिज फीट एंड वर्शिप्ड हिम। अच्छा, मेरे भाई, मुझे मेरे मुझे भाई, ये बताएं, मुझे मेरे ये भाई, बताएं, मेरे भाई, मुझे ये बताएं, नहीं नहीं अब अब आप, अब आपकी जी बारी है बताने की, अब आपकी बारी है जी बताने की, क्या वर्शिप पहले करना किसी एक सेकंड, इंसान को शिर्क है कि हाँ नहीं हाँ है, पहले ये बताइए, मेरे, एक सेकंड एडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाद में, यहाँ बाद में, पर बाकी बातें बाद बात में, अगर खत्म कर दें तो बाकी बातें मेहरबानी बाद में। होगी। हम नहीं, वर्शिप का मतलब तो यार कोई नहीं होता, इबादत। वर्शिप का मतलब रिस्पेक्ट भी होता है, वर्शिप का मतलब ऑनर भी वर्शिप होता का है। आप मतलब देखें रिस्पेक्ट होता है। बाइबल के अंदर अच्छा, वर्शिप वर्ड सिर्फ इसलिए यूज नहीं हुआ कि आप इबादत कर रहे हैं, अभी मुझे कहें कि आप मोहम्मद की वर्शिप करते हैं, कहें, रिस्पेक्ट मैं करता हूँ उनकी। अगर और वर्शिप का रिस्पेक्ट मतलब है नहीं रिस्पेक्ट वर्शिप, करना, और तो भाई मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। भाड़ में गया रिस्पेक्ट राइट नाउ, आप मुझे कहें कि आप मोहम्मद की वर्शिप करते हैं, कहें भाई, यार एडम मेरी बात सुनो, कहें कि वर्शिप का आप मतलब मोहम्मद ये की नहीं वर्शिप होता। करते हैं आपको भी भाई, पता है, मुझे भी पता है, आप, ओ भाई, ठीक है ना? मैं ओ भाई वड़ गया भांडे में बाकी सारा कुछ, आप मुझे कहें कि आप मोहम्मद की वर्शिप करते हैं, बात खत्म हो गई, गेम ओवर, कहें। वर्शिप का मतलब ही वो है, रिस्पेक्ट। तो और मैं भाई रिस्पेक्ट करता आई हूँ डोंट उनकी केयर, भाई। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, डू नॉट से वर्शिप का मतलब ये है कि वो है, आप सिर्फ ये कहें कि आप मोहम्मद की वर्शिप करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से लिखा हुआ है अंग्रेजी के अंदर, से मैं मोहम्मद की वर्शिप करता हूं, से। एडम यार मेरी बात सुनो, पहली बात तो यार ये आप यार मेरा डेढ़ टाइम वेस्ट घंटा कर हो रहे हैं, गया, इसमें मैंने क्या आपको तो आपका भी कहा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपकी ना ना मैंने ये ना ना कहा ना था ना कि ना सुबह ना सुबह टाइम ना कम ना है। ना नो नो यार नो नगर नाउ लीव यू आर करूंगा तो आप वेस्टिंग माय टाइम समझेंगे सैम, भाई, एडम आपने पूरे डेढ़ घंटे में अब अब जाके नहीं वर्क कोट की है, पहली बात। भाई, बहुत नहीं, आपने आई गलत डोंट किया, केयर, आपको आई स्टार्टिंग से डोंट चीजें केयर, कोट करनी आई चाहिए डो नॉट थी, केयर, आई डो तो नॉट केयर मुझे राइट पता सर नाउ, आप केयर नहीं यू करते, टेल मी, आपको बाइबल की भी यू केयर टेल, नहीं यू है। टेल मी, मैं ओके, ये बात कर रहा हूँ, सुने नाउ सुने यू बात आर, सुने नाउ बात यू आर, सुने। ओके होल्ड ऑन, नाउ आई म्यूटेड यू बिकॉज नाउ यू आर गोइंग इन अ टेंजेंट, आई न्यू एज सून एज आई शो यू, जैसे ही मैं एडम आपको यार शो मेरी करूंगा बात ना सुनो, बाइबल, एडम नहीं नहीं एडम मुझे नहीं, पता था जैसे ही मैं आपको बाइबल शो करूंगा ना, आप घूमेंगे चक्कर घूमियों की तरह, अब आप मुझे सिर्फ ये कहें कि आप मोहम्मद की वर्शिप करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, ये ले पकड़े, आप अनम्यूट है, जो मैंने चाहते हैं आपको ये कहें बात की थी कल भी, आपको बात की थी, आप इस बात को बिल्कुल अग्री करेंगे कि भाईजान, मैंने आपको आगे कहा था कि मैंने चलें, सुबह जॉब पे अगर आप जाना आगे था 8 बजे चलेंगे और 8:30 भाई, हो गए हैं, और मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने स्टार्टिंग में एक भी वर्ष कोट नहीं की। आप मेरे भाई, जॉब पे जाने से पहले एक सेंटेंस बोल के जाओ, नहीं तो आप झूठे हो, कहो कि तुम मोहम्मद की वर्शिप करते हो, कोई और चीज बीच में ऐड नहीं भाई करनी, ये अगर सेंटेंस वर्शिप का, बोलो, भाई मेरे भाई मेरे अगर पास ना शगर की वर्शिप का बात ही कोई मतलब नहीं है, रिस्पेक्ट भी अगर है, तो शगर मैं की बात ही रिस्पेक्ट कोई करता नहीं हूँ है, उनकी। और भाई अगर शगर की बात ही कोई नहीं है, आई डोंट केयर, भाई अगर भी मैं सेट बात कर ही नहीं यू रहा भाई, मेरे भाई, रिस्पेक्ट का मतलब वर्शिप का मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट भी होता है, ऑनर रिस्पेक्ट भी होता है, कौन से उसको फॉलो उल्लू के करना भी होता पट्टे है। ने, कौन से उल्लू के पट्टे ने कहा है भाई सर कि आपके स्कॉलर वर्शिप ने लिखा मींस है, रिस्पेक्ट, कौन सा उल्लू का पट्टा है जो कहता है वर्शिप मींस रिस्पेक्ट, आपके टेल सर मी, आपके स्कॉलर, आपके जो और इंग्लिश के भाई स्कॉलर हैं उन्हीं सर उन्हीं की ट्रांसलेशन है, ये कोई अरब ने इंग्लिश नेम मी दैट स्कॉलर, आई डोंट गिव अ डैम,
नेम मी द स्कॉलर, कौन कहता है? किस डिक्शनरी में वर्शिप का मतलब है रिस्पेक्ट? एडम मैं ये बात कर रहा हूं भाई मैंने कि आपसे वर्शिप का कहा, मतलब, वर्शिप का मतलब वंस अगेन, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा आप और मैं कभी भी बात करें, मुझे सिर्फ ये बोल दें कि वर्शिप, आप मोहम्मद की वर्शिप करते हो, यस और नो? यार मैंने आपकी बात बताई है कि वर्शिप का मतलब भाई रिस्पेक्ट भी होता आई है, डोंट ऑनर भी केयर, होता है, आई फॉलो भी डोंट होता है। केयर, आई डोंट केयर, मैं बाइबल इंटरलिनियर सर में चला आप जाता हूँ, केयर तो यहाँ नहीं कर रहे ना, पे ये मत इंटरलिनियर सर पे आप चला केयर जाता करते हूँ। तो ओ भाई मैंने आपसे बात कल इंटर, भी बोली थी येलो आपको। पकड़ो, एडम एडम ओ यार, भाई एडम ओ यार भाई, देखो यार, मैं हेलो, आपसे आई बात डोंट करना केयर, चाहूंगा जरूर, आई डोंट केयर, लेकिन मैंने आपको ये आई बात डोंट की केयर, है कि कल मैंने आपसे आई कहा था, डोंट मैंने केयर। 8 बजे जाना होता है और आप देखे 8:30 तो हो गए, भाई आपके सामने आठ टाइम है, आप सामने चले जाओ, आपका टाइम मैंने है, आपको मना तो किया मुझे है, तो मैंने मैं आपको ये मना कह रहा हूँ नहीं कि मैं किया, आपके लेकिन साथ जरूर इस पे बात करता हूँ, आप लेकिन मुझे आप भी ये अगर, बात मैंने आपको दो, जवाब दे दिया सर, मैंने आपको जवाब दे दिया है, मैंने आपको जवाब ये दे दिया, अगर लफ्ज, आप नहीं एग्री करते कोई बात नहीं सर, और आपके कई भाई सालों से आपने मैंने तो जवाब अग्री नहीं नहीं दिया, किया ना, अब इसका ही मतलब थोड़ी था कि आप मेरे सर मनाने भाई शुरू हो जाते। आपने मुझे अंब का जवाब नहीं दिया, नंबर एक बात, और ये वर्शिप का लफ्ज यहाँ पे मौजूद है, ये आपके पास ग्रीक है, ये आप पकड़िए, घर में ले जाइए, इंटरलीनियर है, बाइबल के स्क्रिप्चर ग्रीक में लिखे हुए हैं, वर्शिप का मतलब है वर्शिप, इबादत, नहीं तो जहां जहां पे आपके इंग्लिश ट्रांसलेशन अल्लाह की वर्शिप है ना, वो भी सिर्फ रिस्पेक्ट है, इबादत नहीं है, अल्लाह आपका गया भाड़ में, ठीक है? सो आप मेरे स्क्रिप्चर को पकड़ के अगर ऐसे कहोगे नहीं यहाँ पे वर्शिप का मतलब रिस्पेक्ट है क्योंकि मैंने कह दिए, तो भाई जिस जिस जगह पे नहीं अल्लाह मैंने की नहीं आप कहा, नहीं वर्शिप नहीं कर एडम रहे हैं नहीं, ना, मैंने नहीं कहा, तो फिर जिस मैंने जिस नहीं कहा जगह मेरे पे भाई, एक आप, सेकंड एक सेकंड जिस मेरे जिस भाई, जगह एडम एक पे, सेकंड एक जिस जिस सेकंड जगह पे, एडम एक सेकंड जिस यार, जिस एक सेकंड, आप फिर हर बात को जिस कहते हैं कि भाड़ में जाए, मेरी जिस बात तो जिस सुन ले, आप बात ही नहीं सुन रहे मेरे भाई। नहीं मैं इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ जिसके अंदर कॉमेंट्री हमें करनी होती है, हमें वर्ड्स के तो मीनिंग बहुत भाई, ज्यादा पता होते हैं, वहां पर कई दफा वर्शिप वर्ड अगर अगर आप लिखा है ना, इंग्लिश, तो इसका अगर मतलब आप ये नहीं होता कि इंग्लिश, आप उसकी इबादत कर रहे हो। एक सेकेंड, अगर आप इंग्लिश बहुत ज्यादा जानते हैं ना, नेक्स्ट टाइम मेरे साथ डिबेट इंग्लिश में कीजिएगा, क्योंकि आप तो यार मैं इंग्लिश पढ़ डिबेट रहे तो हैं नहीं और कर रहा, आवाज मैं आ आपसे रही है। बात ही कर रहा हूँ, ठीक है यार, हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम इंग्लिश में बात करते हैं, सो नाउ लेकिन फिर ये कि दिस इंशाल्लाह इज, फिर हम बाइबल के नाउ थ्रू ही बात करेंगे सारी, ठीक है दिस इज व्हाट इट सेज, दिस इज द ग्रीक, गो स्टडी द यार। ग्रीक, एडम मैं बैक नहीं जा गो सकता, मैं स्टडी द खुद चेक कर ग्रीक, लेता हूँ, मैं आपको यस, जरूर गो रेफरेंस स्टडी द सेंड करूंगा ग्रीक। कि वर्शिप का मतलब क्या होता है क्या नहीं और होता, भाई लेकिन मैं ये हेलो बात कर रहा हूँ, अभी तो मुझे जाने दो हेलो, यार, तो जाओ आपको भाई मैंने जाओ, कल भी लेकिन बताया था ये मेरी ग्रीक जॉब है, है, मैं जाना है, यहाँ तो जाने से ये पहले इससे तो हम एक जरूर सेंटेंस बात बोल के करते हैं जाओगे, एडम, जाने से पहले एडम एक मेरा, सेंटेंस बोल के जाओगे मैं आपसे प्रॉमिस भाई, कर रहा हूँ, हेलो, प्रॉमिस कर रहा हूँ, जब लिसन नेक्स्ट लिसन कॉल होगी लिसन ना तो हम इसी लिसन से स्टार्ट लिसन करेंगे और कुछ। लिसन 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 बिफोर यू गो, दिस वर्शिप मीन्स इबादत, से इट एंड देन गो, अदरवाइज यार से मैं दैट मोहम्मद, दैट मोहम्मद, दैट मोहम्मद, यू वर्शिप मोहम्मद, से आइदर ऑफ द टू, यार मेरी बात सुनो, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर ओके, रिस्पेक्ट का गो मतलब यही होता गो है, गो 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 आप बिल्कुल सर सारा बाइबल की कुछ वर्स है, भी कोट करें मैं मानूंगा, क्यों नहीं ओ मानूंगा, भाई अगर बाइबल में यस, लिखा हुआ है, आप बिल्कुल सर सारा बाइबल की कुछ वर्स है, भी कोट करें मैं मानूंगा, क्यों नहीं ओ मानूंगा, भाई अगर बाइबल में यस, लिखा हुआ है, आप सर बिल्कुल सारा बाइबल की कुछ वर्स है, भी कोट करें मैं मानूंगा, क्यों नहीं ओ मानूंगा, अगर भाई बाइबल में यस, लिखा हुआ है। जब तक देखिए एक दिन में आप बैठे हुए ना, एक दिन में बैठ के आप दूसरे दिन को रिसर्च नहीं कर सकते, फुल स्टॉप, दैट्स द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, ठीक है? जब तक आप अपना पर्दा उस दिन का खत्म नहीं करेंगे, टियर ऑफ नहीं करेंगे, किसी और दिन को नहीं आप देख सकते, क्योंकि आप हमेशा किसी और दिन को देखेंगे अपने दिन के लेंजेस से, जब तक वो लेंस नहीं उतरेंगे ना, कोई और दिन की तरफ आप देख भी नहीं सकते, शक्ल भी नहीं उठा के देख सकते।